बस्ती में बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा सहित 6 लोगों पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। आश्रम में रहने वाली 4 लड़कियों ने बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले में एसपी संकल्प शर्मा ने सीओ सिटी को जांच सौंपी है। तो आपको बता दें कि बस्ती का यह पूरा मामला है। बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद पर रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा सहित 6 लोगों पर कोतवाली में यह पूरा प्रकरण दर्ज किया गया। आश्रम में ही रहने वाली 4 लड़कियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। एसपी संकल्प शर्मा ने सीओ सिटी को जांच के लिए रिपोर्ट सौंप दी है। मेरे साथ बलात्कार हुआ, 4 लोग मिलकर के बलात्कार किए। विश्वासानंद, परम चेतनानंद, ज्ञान बैरागानंद, सच्चिदानंद उर्फ दयानंद, 2 नाम से आईडी चलाता है वो। बचने का प्रयास की तो मुझे मार दी, बहुत मारे, डंडा टूट गया मारते मारते दोनों पर। यहाँ लकड़ी बांध करके मुझे बांध दिए, फिर आज भी बांध करके लटका, मेरा मुंह बंद करके नाक में पानी डाला गया। हम लोग को ही बताया जाता था कि भक्ति करना है, भक्ति करने के उद्देश्य हम लोग को बुलाया गया। 8 और 7 मतलब हम लोग को भक्ति कराया जाता है। 4 साल किसी का 3 साल उसका तो बलात्कार मतलब सिखाया जाता है। अगर जो नहीं करेगा उसको सजा दिया जाता है, दंड दिया जाता है। लेडीज भी जेंट्स दोनों हैं, लेडीज़ को मतलब ये सब गलत काम करवाया जाता है। अगर नहीं करेंगे उनका जीवन बर्बाद किया जाता है, बस उनकी मृत्यु दंड दी जाती है दरबार में। ये कोतवाली क्षेत्र में अमहट के नज़दीक एक संत कुटीर धाम में रहने वाली कुछ महिलाएं जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष के लगभग है, उनके द्वारा उसी स्थान पर रहने वाले कुछ लोग के खिलाफ शारीरिक शोषण करने, मारपीट करने और बंधक बनाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में FIR हम लोगों ने लॉन्च कर ली है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं और जो भी एविडेंसेस सामने आते हैं उसके आधार पर आगे हम लोग इसमें कार्यवाही करेंगे।